आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन क्या है, नॉट की कैसे करते हैं, नॉट की क्यों करनी चाहिए। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन का मतलब क्या है, एक्चुअल में मेडिटेशन क्या होती है, ध्यान होता क्या है, किसे कहते हैं ध्यान। आज हम इस पर बात कर रहे हैं। ये कोर्स का दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो था वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो एक परिचय पार्ट था। तो ध्यान क्या है, अगर मैं आपको एक शब्द में बताना चाहूं ध्यान क्या है, एक शब्द में अगर बताना चाहूं तो ध्यान है नथिंग। हिंदी में दो शब्द हो जाएंगे, कुछ नहीं। जब आप बहुत कुछ जानते हैं, वो जानना क्या है, जो नोन है, जिसको आप जानते हैं, वो जानना है क्या, वो जानना किसे कहते हैं, वो जानना कहां से आ रहा है। तुम जो भी जानते हो, तुमने वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसके बारे में कहीं ना कहीं तुम्हें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उसके बारे में है, जो भी तुम जानते हो। अब जो तुम जानते हो, उस जानने में से जो इंफॉर्मेशन निकल रही है, उस इंफॉर्मेशन से तुम हमेशा घिरे रहते हो, और वो इंफॉर्मेशन है, वो जानकारी है जो तुम जानते हो, उससे तुम हमेशा घिरे रहते हो। ध्यान से सुनना, वो जानकारी तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ती, वो जानकारी अभी भी तुम्हारे साथ है, हर पल तुम्हारे साथ रहती है, और वो जानकारी है तुम्हारे विचार। जानकारी है क्या, जानकारी मतलब जो जाना हुआ है, जो हमने जान लिया है, यानी कहीं ना कहीं उसके बारे में हमने जाना है, यानी पहले जाना था तभी तो जाना है। जानने की प्रक्रिया पहले घट चुकी है, यानी जानना क्या है, जानना है पुराना, ओल्ड है, जानना पुराना है, यानी उस जानने से जो भी थॉट आएंगे, जो भी विचार आएंगे, विचार किससे आते हैं, जो हमारे पास जानकारी होती है, जो हमने अनुभव किया होता है, विचार वहीं से आते हैं। तो जानकारी से जो विचार आ रहे हैं वो भी क्या है, वो भी पुराने हैं, विचार भी पुराने हैं। तो जब ये विचार, जो पुराने विचार हैं, इन विचारों को हमें देखना है, हमने इन विचारों को देखा। जब हम इन विचारों को देखते हैं, हम देखते हैं कि हाँ विचार आ रहे हैं, और विचारों को भी कैसे देखते हैं, विचारों को भी सिंपल सी बात है, विचारों से ही देखेंगे। अभी ध्यान रखना, अभी सिर्फ हम यही बात करें कि ध्यान क्या है, इसको समझ रहे हैं, विचारों को किससे देखेंगे, विचारों से ही देखेंगे, थॉट से ही देखेंगे थॉट्स को। तो विचारों को जब हम विचारों से देखते हैं, आपको ये काम बिल्कुल अभी करना है, ये नहीं कि अभी मैं वीडियो सुन लेता हूँ उसके बाद कल करूँगा, परसों करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा जाते टाइम, नहीं, अभी आप खुद से ज़रा देखो कि जब आप विचार को देखते हो तो क्या होता है। जब आप विचारों से विचारों को देखते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि विचार पुराना है, विचार लिमिटेड है, सीमित है, विचार झूठ है। क्यों झूठ है,
विचार, क्योंकि ये पुराना है, ये क्योंकि ये पास्ट है। पास्ट मतलब जो घटना घट चुकी है, यानी जो चीज हो चुकी है, हो चुकी है, वो अभी इस टाइम मौजूद नहीं है, वो हो चुकी है, वो गई, वो झूठ है। तो आप जब विचारों को विचारों से देख लेते हैं, थॉट को थॉट से देख लेते हैं, तो जो भी आप जानते थे आपने देख लिया कि जो भी मैं जानता था, जो भी मेरी जानकारी थी, वो पास्ट है, पुरानी है, वो लिमिटेड है। और जिंदगी तो हमेशा देखो नई है। जिंदगी को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या हो जाएगा। आज एक पक्षी जिस डाल पर बैठा है, हो सकता है वो कल किसी और डाल पर बैठा हो सकता है वो पक्षी हो ही ना। आज जिस तरह से वो पक्षी, जो पक्षी गा रहा है, हो सकता है कल वो वैसा गाए ना। हो सकता है मैं अभी इस टाइम तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा हूं, हो सकता है कि मैं रहूं ना, कहीं हो जाए मैं। आगे का हमें नहीं पता कुछ भी, और पीछे का हो चुका है। तो हमारे पास जो जानकारी है, सच्चाई यही है कि जानकारी जो है वो झूठ है। तो क्या करें फिर, तो क्या करें, क्या करना चाहिए? जानकारी झूठ है। तो जब आपको ये पता लग जाता है कि जानकारी झूठ है और जिंदगी हमेशा नई है, हमेशा बदल रही है, तो आप जिंदगी को विचारों से नहीं देखते हैं, आप विचारों से समझना बंद कर देते हैं जिंदगी को। तो जब आप जिंदगी को विचारों से देखना बंद कर देते हैं, विचार मतलब जानकारी, नॉलेज, ज्ञान, एक यही तो है जो जानने, जो हमें जानने का एहसास कराता है। अब आपने ये देख लिया कि जो विचार है वो भी पुराना है, वो भी मुझे सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। तो मैं एक ऐसी स्टेट में रहता हूं, तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि मैं विचारों को देख रहा हूं, जो भी मेरे अंदर विचार चल रहे हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, आप पर डिपेंड करेगा कि आप विचारों को देख रहे हैं, विचार आपके पास आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं। यहां पर आपको विचारों को इस तरह से नहीं देखना कि हाँ मैं विचारों को देख रहा हूं, अच्छा ये विचार आया, अच्छा अब ये विचार आया, नहीं। आप खुद प्रयोग करके देखो आपके लिए क्या सही है, लेकिन विचारों को आपको चॉइसलेस तरीके से देखना है, चुनाव रहित तरीके से। विचारों को चुनना नहीं है एक एक करके, विचारों के पीछे नहीं पड़ जाना है कि हाँ अरे अच्छा अच्छा ये विचार देखो, अच्छा ये नहीं, जो विचार आ रहा है उसको देखना है। और सामने जो भी चीजें घट रही हैं, जो आपके सामने दिख रहा है उसको देखना है। तो आप विचारों को देख रहे हो और जो सामने जो चीजें घट रही हैं उसको देख रहे हो, आप कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हो, आप बस देख रहे हो। और उस देखने में, क्योंकि आपको पता लग गया विचार तो भाई पुराना है, विचार तो की कोई वैल्यू नहीं है, विचारों को आप फेस वैल्यू पर नहीं ले रहे। फेस वैल्यू इन द सेंस कि विचारों को आप रियल नहीं मान रहे, ट्रुथ नहीं मान रहे हैं विचारों को। और जो आसपास चल रहा है, जो आसपास की रियलिटी है, उसको भी आप एज इट इज देख रहे हो। आप उसको भी कैसे देख रहे हो, बस उसको देख रहे हो, क्योंकि उसको देखने के बाद जो विचार आएगा उस विचार से तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं।
तो यहां पर स्थिति कैसी हो गई? कुछ अननोन सा बचा, क्योंकि हम विचारों को भी देख रहे हैं, नॉलेज को भी देख रहे हैं, और सामने जो चीजें आसपास रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको भी देख रहे हैं। तो तुम क्या हो गए? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, अननोन सी स्थिति आ गई। और ध्यान रखना, या तुम किसी चीज को चुन नहीं रहे हो, या चीजें हो रही हैं बस खाली, और तुम कुछ समझ भी नहीं रहे हो। कुछ अंदर से तुम अंदर से बात भी नहीं बोल रहे हो, तुम अपना बहुत दिमाग भी नहीं लगा रहे हो, चीजें हो रही हैं बस खाली। और जब तुम्हारे अंदर ये भी विचार आ रहा है कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि जैसे ये विचार आया, तुम इस विचार को भी देख रहे हो, इस थॉट को भी तुम देख रहे हो। तो अब तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है, एक अननोन सी स्थिति आ गई, एक अननोन सी स्थिति आ गई जिसको हम नहीं जानते, अपरिचित सी स्थिति, स्टेट, एक ऐसी स्टेट नथिंग, कुछ नहीं वाली स्टेट आ गई। और तुम्हारे अंदर ये विचार आ रहा है कि अच्छा, ये कुछ नहीं वाली स्टेट आ गई, तुम इस विचार को भी देख रहे हो। और तुम पूरी तरह से अब बिल्कुल प्रेजेंट में हो, अब तुम्हारे अंदर पूरी तरह से स्थिरता आ चुकी है, स्टेबिलिटी आ चुकी है, शांति आ चुकी है। लेकिन तुम्हें पता नहीं कैसे आ रही है, कहां से आ रही है, किस जगह से आ रही है। यही है ध्यान, यही है मेडिटेशन। देखो, जितनी मेरे से कोशिश है मैं कर पा रहा हूं इसको समझाने की। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए ठीक क्या है। कि जस्ट आप बैठे हैं एक जगह पर, या आप कोई काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो विचार आ रहे हैं, उस विचार को भी देख रहे हैं, वो जो विचार चल रहा है, आप जो काम कर रहे हैं उस काम को भी करते जा रहे हैं, और कैसा भी विचार आ रहा है आपके अंदर कि मैं इस काम को जल्दी कर लूं, तेज कर लूं, ये काम स्लो हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, आप सब अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर घट घट रहा है, जो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर जनरेट हो रही है, उन सबको तुम देख रहे हो। उस देखने में जो कि तुम अभी तक जानते हो, उस जानने में कुछ अनजाना घटित होता है, अननोन घटित होता है, और तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि चीजें स्वतः हो रही हैं, चीजें अपनी प्रकृति के अनुसार हो रही हैं, और सिर्फ हो रही हैं, तुम बसते ही नहीं हो, तुम रहते ही नहीं हो।
मेडिटेशन ध्यान बोलते टाइम, बस में ट्रैवल करते टाइम, मेट्रो में ट्रैवल करते टाइम, ड्राइव करते टाइम, आपको करना है। एक एक थॉट पूरी तरह से सेंसिटिव बॉडी में, एक एक जगह पर खुजली जो मच रही है वो भी आपको महसूस होनी चाहिए। हवा चल रही है, हवा आपके पास से बहकर चली गई, यह भी आपको महसूस होना चाहिए, लगना चाहिए। फ्यूचर का आपके पास थॉट आएगा, विचार कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, उस विचार को आप देख रहे हो। पास्ट का आ रहा है उसको देख रहे हो, सामने जो चीजें चल रही हैं मैकेनिकल चीजें उनको देख रहे हो आप, यांत्रिक चीजें। ये देखना ही, ध्यान है। दिस इज द मेडिटेशन, जहां पर मेडिटेटर, जहां पर ध्यानी खत्म हो जाता है, जहां पर नियंत्रण करने वाला खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता लग जाता है कि चीजें स्वतः हो रही हैं, ऑटोमेटिक तरीके से हो रही हैं। और ये भी तुम देख रहे हो, और ये भी तुम्हें नहीं पता कि क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। एक ऐसी शांति छा जाती है जो जो तुम किसी को बताना भी नहीं चाहते। जहां पर सब कुछ हो रहा है, विचार आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम उस पानी की तरह हो जिसमें एक कंकड़ क्या 100 कंकड़ मार दिए जाएं, तब भी वो पानी तरंग नहीं बना रहा है, विचलित नहीं हो रहा है। बिल्कुल स्टिल साइलेंट हो गए हो तुम। मेरे शब्दों को मत समझना, मेरी जो रूह है, मेरे अंदर से जो तरंग आ रही है, जो आवृत्ति, जो फ्रिक्वेंसी, जो वेव है, उसको ग्रहण करो। इस समय तुम्हारे अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन चल रही है दिमाग में, उस इंफॉर्मेशन को चलने दो। सारा दिमाग लड़ाना बंद कर दो, धन्यवाद।